ऐसी क्या चीज है जिसको करके मैं सक्सेस हो सकता हूं। बहुत सारे लोग मीटिंग के बाद पूछते हैं कि सर मुझे सफल होना तो क्या करना चाहिए। देर इज नो सच ए कॉमन डेफिनेशन अबाउट सक्सेस विच इज सुटेबल टू ऑल। ऐसी कोई परिभाषा बनी नहीं है जो सबके लिए सुटेबल हो सक्सेस के बारे में। किसी के लिए पैसा सक्सेस है, किसी के लिए सम्मान सक्सेस है, किसी के लिए गाड़ी सक्सेस है, किसी के लिए अपने रिजल्ट सक्सेस है। देर इज नो सच ए कॉमन डेफिनेशन। हेलो, बट देर इज ए कॉमन ओपिनियन अबाउट सक्सेस। बहुत सारे लोगों की एक कॉमन ओपिनियन है कि मैं सक्सेसफुल कब बन सकता हूं, कौन मुझे सक्सेसफुल कहेगा। बीइंग सक्सेसफुल मींस द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड विजन्स एंड प्लान गोल। जो मैंने सोचा, जो मैंने देखा, जो मैंने प्लान किया, यदि मैं उसको अचीव कर लेता हूं देन आई एम सक्सेसफुल। हेलो, लोगों के माइंड में ये कॉमन ओपिनियन है कि ये सक्सेसफुल व्यक्ति है क्योंकि इसने जो टारगेट लिया था वो पूरा कर लिया। बट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सक्सेस, डिक्शनरी में शाब्दिक अर्थ सफलता का क्या है? गेटिंग हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, नेम एंड फेम। यदि मुझे अच्छी हेल्थ मिल जाए, ढेरों सारा पैसा मिल जाए, अचीवमेंट मिल जाए, नाम मिल जाए, सम्मान मिल जाए, शोहरत मिल जाए, खुशियां मिल जाए, कोई चीज पेंडिंग रही नहीं, तो इसे सक्सेस कहा जाता है। हेलो, लेकिन बाहर की दुनिया में यदि आप देखोगे तो क्या ये सारी चीजें कहीं पॉसिबल है? पैसा आ रहा है तो स्वास्थ्य खराब हो रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, खुशी नहीं हो रही है, परिवार को समय नहीं दे पा रहा है। शाब्दिक अर्थ तो यही है, बट प्रैक्टिकल में ये किसी भी बिजनेस में संभव नहीं है। लेकिन दिस टाइप ऑफ सक्सेस इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इन आरसीएम। यदि आपको नाम चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, सफलता चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, कल आपने देखा तो किसमें पॉसिबल है वो? किसमें पॉसिबल है? तो आज मैं जो आपके साथ सक्सेस की बात करूंगा वो आरसीएम से रिलेटेड बात करूंगा। अभी हमने ये पढ़ा था देयर इज नो कॉमन डेफिनेशन अबाउट सक्सेस। सक्सेस की कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं है, बट देयर इज ए कॉमन फैक्टर अबाउट सक्सेस। सफलता के लिए एक कॉमन फैक्टर है जिसको सब लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, एंड दैट इज वी ऑल वांट सक्सेस। हेलो, वी ऑल वांट सक्सेस या वी ऑल लाइक सक्सेस। हम सब सफल होना चाहते हैं, एम आई राइट? हम सब सफल होना चाहते हैं, हम सब सफलता को पसंद करते हैं। दिस इज द फिगर, दिस इज द फिगर। वी लाइक सक्सेस, वी लाइक सक्सेस, हम सफलता को पसंद करते हैं। बीसी चावड़ा जी की एक बात हमें बार बार मोटिवेट करती है। सर बोलते हैं कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, बीसी सर बोलते हैं जब वो कॉलेज में पढ़ते थे वो हेमा मालिनी से बहुत प्यार करते थे, वो हेमा मालिनी को पसंद करते थे। क्या हेमा मालिनी से शादी हुई? क्यों? क्योंकि वो तो हेमा मालिनी को पसंद करते थे, बट हेमा मालिनी जी बीसी सर को पसंद नहीं करते थे। आप तो सफलता को पसंद करते हैं, बट क्या सफलता आपको पसंद करती है? इट इज द मेन फैक्टर। हेलो, आप पसंद करते हैं जरूरी सफलता आएगी। जिस दिन सफलता आपको लाइक करना शुरू कर देगी, जिस दिन सफलता आपको पसंद करना शुरू कर देगी, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। इट इज टू वे प्रोसेस, इट इज नॉट वन वे प्रोसेस, इट इज टू वे प्रोसेस। मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या बनूं, मैं किन आदतों को अडॉप्ट करूं कि सफलता भी मुझे पसंद करने लग जाए। हेलो, तभी आएगी ना। मेरे पसंद करने से सफलता आने वाली नहीं है, जिस दिन सफलता मुझे लाइक करेगी तब सफलता आ सकती है। तो उसके लिए व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं कि सफलता भी मुझे पसंद करे। इट इज द रियल की टू सक्सेस।
हेलो, इट इज द रियल की टू सक्सेस। सफलता की यही चाबी है कि मैं ऐसे क्या काम करूं कि सफलता भी मुझे पसंद करे। अब वो चीजें कौन सी हैं जिसकी वजह से सफलता मुझे पसंद करे, वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन से लोग हैं, ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ आते हैं जिनको सफलता पसंद करती है या जिनको सफलता पसंद नहीं करती है। जिन चीजों को सफलता पसंद करती है मैं वो करूंगा तो सफल हो जाऊंगा, और जिन चीजों को सफलता पसंद नहीं करती है मैं वो कर रहा हूं तो सफलता कभी मुझे मिलने वाली। आर यू एग्री विद मी? पूछे क्या क्या है जाने। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट शुड आई हैव टू डू। सक्सेस कभी भी ढीले ढाले, भागने भाग, नकारात्मक, आलसी और शिकायती किस्म के लोगों के पास नहीं जाती है। सफलता कभी भी ढीले ढाले, भागने भाग, नकारात्मक, आलसी या शिकायती किस्म के लोगों के पास। और यदि ये चीजें मेरे अंदर है और मैं काम बड़े जोर से कर रहा हूं, सफलता आएगी क्या? इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या बनना पड़ेगा? मजबूत बनना पड़ेगा, एक्टिव बनना पड़ेगा, लर्निंग मोड में बनना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, मस्त रहना पड़ेगा, सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, भावनाओं को छोड़ना पड़ेगा। ऑलवेज बी एक्साइटेड, ऑलवेज बी क्यूरियस, हमेशा आपकी इच्छा शक्ति रहे, देयर शुड बी बर्निंग डिजायर। ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी पैशनेट। अपने काम के प्रति आपके अंदर जुनून होना चाहिए, लगना चाहिए सामने वाले को कोई जुनूनी बंदा मेरे सामने खड़ा है। जिस दिन ये पहली क्वालिटी आपके अंदर आ गई, मैं दावे से कहता हूं कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो जाए, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती है। कर सकते हैं ऐसा? तैयार है? कोई बहाना नहीं चलेगा? डायमंड क्लब पक्का? सुपर डायमंड क्लब? सफलता भाग्य भरोसे बैठे लोगों के पास भी नहीं जाती है। यदि मैं काम कर रहा हूं सही तरीके से नहीं कर रहा हूं, रिजल्ट आएंगे क्या? और जब रिजल्ट नहीं आएंगे आई विल बी फ्रस्ट्रेटेड, तो मुझे क्या लगेगा? और जब मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो मुझे एक बहुत अच्छा बहाना मिल जाता है। कॉमन फैक्टर है ये कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत में सफलता शायद नहीं है, मेरी किस्मत में बड़ी पिन नहीं है। और जब इस प्रकार का एटीट्यूड बन जाता है व्यक्ति, मैं भाग्य विरोधी नहीं हूं बट मैं कर्म केंद्रित हूं, मैं मेहनत मेहनती लोगों की बात कर रहा हूं। और जब इस प्रकार का काम नहीं होता वो काम करना बंद कर देता है, अपने आप को चेक करना अपडेट करना बंद कर देता है, कहां गलती हो रही है, उसकी बजाय वो क्या करता है, एक पैट डायलॉग जो सब लोगों को पसंद आता है, और वो ये बोलना शुरू कर देता है, वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को मिलता। अपने आप को बचाने का सबसे बड़ा बहाना, वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता। यहां तक बात नहीं बनती, सुबह उठ गया है अखबार देखता है और अखबार में राशिफल पड़ता है, मेरी रोटी कब आएगी। जब यहां भी बात नहीं बनती तो फिर किसी पंडित जी के पास भी जाता है, पंडित जी मेरा हाथ देखो, हेलो, और पंडित जी बोलता है तेरे हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है, कैसे बनेगी? जो भी तरीका बताएगा मैं उस पर बात नहीं कर रहा, तेरे हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है। अरे मैं बोलता हूं मत विश्वास कर हाथ की लकीरों पर, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हेलो, यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो इस भाग्यवादी नजरियों को छोड़ना पड़ेगा और आपको कर्म केंद्रित होना पड़ेगा। मेहनत करने की आदत डालिए और सही तरीके से काम करना सीखिए। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग एंड करेक्ट वर्किंग, सही तरीके से काम। जब तक सही तरीके से काम नहीं होगा रिजल्ट आने वाला नहीं है। लक मान लेते भाग्य भी है, आप विश्वास करते करना चाहिए, मैं भी करता हूं, लक LUC के भाग्य, लेकिन इसको यदि आप थोड़ा सा एक्सपेंड करें, इट्स मीनिंग इज लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबर है बट अंडर करेक्ट नॉलेज,
लेबर करना ही पर्याप्त नहीं है, पहाड़ पर कुआं खोद रहा हूं मैं, पानी आएगा क्या? लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, मेहनत करना सीखिए। और घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है, सफलता पाने के लिए खुद के दोनों पांव में घोड़े की नाल लगवानी पड़ती है। Are you agree with me? Okay, thank you. Success don't come uncommitted people. बोला कुछ, हुआ कुछ, जुबान की कोई बात नहीं है, क्या बोला था भूल गया है, कमिटमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं मानता हूं अगली स्लाइड से बढ़िया मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यदि आप कमिटेड नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जिस दिन आप अपने वचन पे संकल्पित हो गए दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। हेलो, जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। अपने संकल्प के बीच किसी विकल्प को ना आने देना। जो आपने कमिटमेंट कर लिया, एक बार जो जुबान कर ली, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। अपने संकल्प के बीच किसी विकल्प को न लाना, समय की लंबाई से बिल्कुल न घबराना। एक दिन हर ऊंचाई तेरे हाथ में होगी और एक दिन पूरी दुनिया तेरे साथ में होगी, ये मानिए। तीसरी संकल्प लाइन है सर, बी कमिटेड इफ यू वांट टू गेट सक्सेस। छोटी सोच वाले लोगों के साथ भी सक्सेस नहीं आती है। उलझा हुआ एक 15 में, कल की स्लाइड देखी, 2020 विजन देखा, 40,25,000 करोड़ का टारगेट है, मार्केट बनने वाली है। कहां उलझ रहा है 15 में? 40,25,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, और उन प्रोडक्ट का जो हमारे साथ है, बाहर की बात नहीं कर रहे, जो प्रोडक्ट आरसीएम के साथ है उनका मार्केट साइज। बट मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं तो उड़ जाऊ, सोच ही मेरी वो छोटी सी है, अपने आप को बांध के रखा हुआ है ना, ताकत लगा ही नहीं रहा। और यहां तक भी मैंने लोगों की सोच को देखा, बड़ी सोच है ही नहीं है, टेम्पू के पीछे लिख रखा है बुरी नजर वाले तेरा मुकाला। कभी मर्सिडीज के पीछे लिखा देखा है ये? उसको टेम्पू ही, सोच ही टेम्पू की है तो मर्सिडीज आएगी क्या? रॉयल्टी में उलझा है, डायमंड आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या करना है, थोड़ी सोच को बड़ा कीजिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन आरसीएम, लेकिन बड़ी सोच वाली मानसिकता के साथ काम करने की जरूरत है। थिंक बिग ग्रो बिग, थिंक बिग गेट बिग। हो सकता है, कितनी बड़ी सोच है, मैं भी बड़ा होकर ट्रक बनूंगा, सोच तो बड़ी है, अपनी सोच को तो बड़ा कीजिए, टारगेट लीजिए डायमंड का, जो चाहिए आपसे में मिल सकता है, टारगेट लीजिए डायमंड का। आपको पैसा चाहिए, सामान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हवाई जहाज की यात्रा चाहिए, जो चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल आरसीएम, बट अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है। हो सकती है। एंड द नेक्स्ट इज सक्सेस लक्ष्य भी। अभी महावीर जी ने जोरदार ताले महावीर जी को लेनी चाहिए। आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई वॉज लिसनिंग फ्रॉम राइट। लक्ष्य ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है, क्या करना है पता ही नहीं है, जो हो गया हो गया। वो टारगेट भी मैंने अपने आप हुआ है, महीने के क्लोज में जो बिजनेस हो गया वो अपने आप हुआ है, मैंने नहीं किया। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, द फर्स्ट वन इज कुछ तीर चला करके गोला लगाते हैं और कुछ गोला लगा के तीर चलाते हैं। हेलो, देखिए इस भाई साहब को तीर चलाया, जहां लग गया वहीं पर गोला लगा दिया। हेलो, ऐसे लोग बहुत है हमारे बीच में, पता ही नहीं क्या हो रहा है। डायमंड क्लब किसका पिछले महीने था, इस महीने नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं। सुपर डायमंड क्लब हो रहा है या नहीं हो रहा है, टीम कहां जा रही है, उनका फोकस कहां पे, पता ही नहीं। जो हो गया हो गया। बट इस टाइप के लोग भी हैं कि पहले गोला लगाते हैं, हेलो, लक्ष्य को फिक्स करते हैं, टारगेट लेते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं, वर्किंग करते हैं, फील्ड में जाते हैं, और उन लोगों का टारगेट हिट होता है। कर सकते हैं ऐसा? और हमेशा मेडल उनको मिलते हैं, हेलो, मेडल उनको मिलते हैं जो गोला लगा करके तीर चलाते हैं। इसलिए इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, द सक्सेस की इज सक्सेस चाहिए तो लक्ष्य बनाकर काम करने की आदत डालिए। कर सकते हैं। लक्ष्य नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है।
सक्सेस डोंट लाइक दोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, हु रन अवे फ्रॉम टिपिकल सिचुएशंस, फ्रॉम टफ सिचुएशंस। यदि आपको बहुत बड़ी सफलता मिलनी है, भगवान ने डिसाइड कर दिया है, तो ऐसे नहीं मिलेगी भाई साहब। भगवान आपको चेक करेगा, और चेक करने का भगवान के पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है, वो आपके रास्ते में, आपके मार्ग में, आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां भेजेगा, मुश्किल समय भेजेगा, और उस समय जो टिक गया, he is fit for success। हेलो, जो लोग भाग गया, भगोड़ा हो गया, he is not fit for success। अपने साथ बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी मुश्किलें आई, जो टिक गए वो आज इस हॉल में है, और जो निकल गए आज वो भगोड़े थे। हेलो, हमें टिकना है, मुश्किलें कितनी आ जाए, थोड़ी सी बात में डिस्टर्ब हो रहे हैं। चार लोग कहीं चले गए तो मायूस, कोई और कंपनी आ गई तो मायूस। आप अपने आप को मजबूत कीजिए, जब तक सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, आसान हो, मुश्किल हो, टफ हो, ऑलवेज बी एक्साइटिंग। और ये फिगर आपके लिए बहुत अच्छी है, सक्सेस गोज टू दोज लीडर हु लीड इन एवरी सिचुएशन। कैसी भी सिचुएशन है, यू हैव टू लीड। एक नॉर्मल सिचुएशन है, यू हैव टू वर्क, चाहे टिपिकल सिचुएशन है, यू हैव टू वर्क। और चाहे स्थितियां उल्टी भी हो जाए, आरसीएम का झंडा हमेशा ऊपर रहेगा, ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ भी आ जाए हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, बस ये झंडा ऊपर रहना चाहिए आपके हाथ में, कर सकते हैं। इसलिए जब सिचुएशन आती है उसको स्वीकार कीजिए, वो आपकी परीक्षा है बड़ी कामयाबी जाने के लिए। एंड द नेक्स्ट इज सक्सेस डोंट लाइक अनट्रेन्ड एंड अनस्किलफुल पीपल। जुगाड़ी के पास सक्सेस नहीं आती है, यू हैव टू बी सक्सेस, यू हैव टू बी ट्रेन, यू हैव टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा आरसीएम क्या है। आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा आपका। देखिए पिक्चर, एक ये डॉक्टर है, एक ये डॉक्टर है, he is expert, he is specialist, but he is untrained। यदि आप किसी व्यक्ति को सलाह दें इलाज कराने के लिए तो किससे देंगे सलाह? हेलो, किससे देंगे? ट्रेन से, एक्सपर्ट से। बिल्कुल सही। आप अपनी भी बात सुन लीजिए, हम भी डॉक्टर हैं, हम लोगों की नेगेटिविटी का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं। हेलो, हम लोगों को सक्सेस करने के लिए डॉक्टर हैं। और यदि हम अनट्रेन होंगे तो कोई हमसे इलाज कराएगा क्या? मैं तो अनट्रेन रहूं लेकिन मेरी टीम ट्रेन हो जाए, नेवर पॉसिबल। इसलिए यदि आप सक्सेस चाहते हैं तो क्या करना है, बदलते हुए समय के साथ अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को बदलिए। जब दुनिया में बदलाव आता है, जो लोग बदल जाते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, और जो बदलते नहीं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और नया सीखने के लिए तैयार कीजिए, आरसीएम के सही रूप को जानिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक लोगों को हो रही है, अभी तक आरसीएम का सही रूप, कल का जो डाटा दिखाया सामने, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, मैं बहुत एक्साइटेड रहा। जो टेबल बताई कि फूड का क्या मार्केट होने वाला है, शूज का क्या मार्केट होने वाला है, कॉस्मेटिक्स क्या है, हेल्थ केयर का क्या है, 40 लाख करोड़ का मार्केट है, और उसमें फिगर केवल 1%, 1% भी पकड़ ले तो 40,000 करोड़। हेलो, 40,000 करोड़ का। और जिस दिन 40,000 करोड़ का मार्केट हो गया, हम यहां मेट्रो में बैठ कर नहीं आएंगे, अपने अपने हेलीकॉप्टर लेके आएंगे सर। कर सकते हैं। आरसीएम के सही रूप को जानिए, आरसीएम एक बदलाव है, इट इज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एक नई तकनीक है, एक नई व्यवस्था है, एक नई सोच है। जब तक अपनी सोच को इस सोच के साथ नहीं मिलाएंगे, सक्सेस आने वाली नहीं है। इसलिए ट्रेंड बनिए, अपनी सीखने की भूख को बढ़ाइए, अपने आप को अपडेट रखिए, अपने काम करने के तरीकों में बदलाव कीजिए, बिंदास रहने की आदत डालिए, और अपने मन चाहे लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए। जब तक आप नहीं सीखेंगे, टीम सीखने वाली नहीं है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, टीम बढ़ने वाली नहीं है। अभी एक बहुत अच्छी बात हुई रिटेलिंग को लेकर के, बहुत सारे लोगों को रिटेलिंग में हो सकता है इनकन्वीनियंट लग रहा हो, लेकिन जब से अपनी दुकान का कंसेप्ट आया, मेरे घर में प्रोडक्ट रखा है, मैंने उसकी ओपनिंग की, तो मुझे अलग से बेचने की जरूरत नहीं है,
मेरे घर पे मेरी आजू बाजू के लोग मेरे घर पे विजिट करते हैं, उनको पता चल चुका है इनके घर पे एक छोटी सी दुकान है, उनको पेस्ट की जरूरत पड़ती है, हल्दी की जरूरत पड़ती है, चाय की जरूरत पड़ती है, साबुन की जरूरत पड़ती है, टेबल परचेज, तो मेरी रिटेलिंग ऑटोमेटिक होगी कि नहीं होगी। और यदि मैं इस बात को अपने बिजनेस में सही ढंग से इंप्लीमेंट कर पाया, अपनी दुकान के कंसेप्ट को यदि मैं ठीक ढंग से इंप्लीमेंट कर पाया, मैं दावे के साथ कहता हूं सारे के सारे क्लब के पिन हमारे सीने पर हो सकती है और सारी की सारी पिने हमारे सीने पर आ सकती है। बट आई हैव टू चेंज माई टेक्नोलॉजी, आई हैव टू चेंज माई वर्किंग स्टाइल।